Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट इस सिंपल मशीन है स्क्रू, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं कि कितने प्रकार की सिंपल मशीन थी। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है। नंबर वन क्या था बताइए, लीवर। नंबर टू पुली। नंबर थ्री इंक्लाइंड प्लेन। नंबर फोर वेज। नंबर फाइव व्हील एंड एक्सल। और नंबर सिक्स स्क्रू, ठीक है। ये नंबर सिक्स क्या है? स्क्रू, ठीक है। तो देखिए, स्क्रू में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के, स्क्रू का देखिए, स्क्रू से क्या समझ रहे हैं आपकी? स्क्रू में होता है एक पेचदार कसने वाला, ठीक है, स्क्रू कहते हैं उसको, ठीक है। अब वो स्क्रू कैसा है हम लोग आज देखेंगे कि देखिए, कह रहे हैं कि राजू वेंट फॉर ए पिकनिक विथ हिज पेरेंट्स। राजू अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है? पिकनिक पे जाता है। ऑन द वे, रास्ते पर, द टायर ऑफ देयर कार गॉट पंक्चर्ड। उसकी कार की, राजू के कार की, जो राजू के कार क्या था उसको क्या हो गया? वो पंचर हो गई, ठीक है। अब देखिए, दे वेंट टू द मैकेनिक। ये वो किसके पास चले जाते हैं? अब मैकेनिक के पास चले जाते हैं। मैकेनिक कौन होते हैं? जो जैसे कोई भी मशीन ख़राब हो जाती है तो वो जो मैकेन जो बनाते हैं उनको सही करते हैं, तो उनको मैकेनिक कहते हैं, ठीक है। कोई भी मशीन, चाहे वो सिंपल मशीन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स मशीन हो, ठीक है। राजू देखता है कि दैट द मैकेनिक यूज अ सिंपल मशीन एंड लिफ्टेड द एंटायर कार अप, ठीक है। तो राजू क्या नोटिस करता है, क्या देखता है कि मैकेनिक क्या कर रहा है? एक सिंपल मशीन यूज कर रहा है एंड लिफ्ट द एंटायर कार अप, मतलब उसकी जो पूरी कार है वो क्या है, उसको अप कर उठा दिया है उस मशीन ने। ही आस्क हिज फादर अबाउट दिस। उसने, लकी राजू ने अपने पिता से पूछा इसके बारे में, स्क्रू के बारे में पूछा, ठीक है, कि राजूज फादर, राजू के पिता, एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ स्क्रू जैक। राजू के पिता जो थे उन्होंने क्या बताया, एक्सप्लेन किया कि यह क्या है? ये स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक ए सिंपल मशीन। स्क्रू जैक क्या? एक सिंपल मशीन है। जिस तरह देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं बुक में, देखिए पेज नंबर 29 पे, स्क्रू जैक या कहते हैं या फिर और कार जैक भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी रास्ते में खराब हो जाती है, तो गाड़ी कार खराब हो जाती है या ट्रक खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं? स्क्रू जैक का इस्तेमाल करके उस टायर को निकाल करके और सही, मतलब कि जिसमें हवा है वो टायर जो है लगा देते हैं, ठीक है, इजिली। फिर देखें, अनेल विथ ग्रूव कट्स। एक ऐसा नेल मतलब जान रहे हैं आप, जो क्या होती है नेल, मतलब क्या होता है कि ऐसे नेल मतलब निक्यूला टाइप का एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अनेल विथ ग्रूव कट्स कैसे हैं? उसमें ग्रूव कट्स हों, ग्रूव मैंने बताया था ऐसे गड्ढेदार, ठीक है, ऐसे गड्ढेदार हों, ग्रूव्स क्या कटे हुए हों, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, सब में देख रहे हैं कैसे ग्रूव्स कट हैं इसमें, हुँ? तो उसको कहते हैं, इसलिए स्क्रू कहते हैं उसको। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल फोर्स। ये किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रोटेशनल फोर्स। रोटेशन मीन्स होता है घूमना, और फोर्स मीन्स बल, मतलब कि रोटेशनल फोर्स घूमता हुआ बल के ऊपर वो काम करता है। अप्लाइड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। और ये जो वर्क करेगा तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, होल्ड कर रखेगा, पकड़े रखेगा। द स्क्रू जैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। जो स्क्रू जैक है या कार जैक, जो क्या था, जो गाड़ी को लिफ्ट अप कर ले रहा था, कार जैक है, उसको क्या, किस प्रिंसिपल पे है? स्क्रू प्रिंसिपल पे ही वो भी वर्क करता है। व्हेन यू टर्न द हैंडल ऑफ द स्क्रू जैक, जब आप घुमाएंगे स्क्रू जैक के हैंडल को, जब आप घुमाएंगे, द स्क्रू ऑफ द जैक टर्न्स अराउंड, वो जो स्क्रू जैक का जो क्या है वो क्या कर, जो स्क्रू है वो धीरे धीरे घूमेगा, टर्न्स अराउंड एंड लिफ्ट द हैवी कार, और भारी भरकम कार को भी वो क्या कर देगा, उठा देगा। द स्क्रू जैक
therefore increases the force applied on the handle. जो हैंडल पे हमने फोर्स अप्लाई किया है वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा स्क्रू जैक का. जैसे एग्जांपल्स ऑफ स्क्रू आर बोल्ट एंड नेल्स. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बोल्ट है, बोल्ट देखिए इस तरीके से होता है, इसका जो ये ऑक्टागोनल फेस होता है ठीक है यहाँ पे, और इसका ये नट होता है. इसमें हम लोग क्या, इसी नट को लेके हम लोग ऐसे ऐसे चूड़ी घुमाते हुए स्क्रू करते हुए हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग आके यहाँ कस जाता है ठीक है. तो ये हमारा बोल्ट है और ये हमारा नट है. अब देखिए स्क्रू क्या है, स्क्रू देखिए आप लोग देखे होंगे, आपके घर में भी होगा, दुकान पे भी इजीली मिल जाता है. स्क्रू देखिए ये कुछ यहाँ तक देखिए क्या होगा, ये कांटेदार कुछ रहेगा ठीक है, और फिर इजीली ये इसके अंदर कोई भी पेंच अगर आप डालेंगे तो ये पेंच जो है यहाँ तक आके फंस जाएगा ठीक है. और ये आपका नेल है ठीक है, नेल देखते होंगे आप लोग, जैसे कोई भी जैसे हम लोग कोई चीज़ टांगना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको दीवार में लगाकर हैमर के थ्रू मारते हैं, तो ये अंदर दीवार के अंदर ये पूरा चला जाता है ठीक है. ये इसीलिए यहाँ पे पॉइंटेड है यहाँ पे ठीक है, ये अंदर पूरे दीवार के अंदर चला जाता है और इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ हम लोग टांग लेते हैं ठीक है. तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं. तो ये आपका लास्ट वन था, जो सिंपल मशीन लास्ट थी वो स्क्रू थी ठीक है. तो अगर कहीं दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो आप हमको बताइएगा, कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा ठीक है. और जितने भी कंटेंट है आपके वो हम आपको कंटेंट क्लास में आपको सेंड कर देंगे. ओके, थैंक यू क्लास.